हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। कैसे हैं, कैसे चल रही है प्रेपरेशन आपके एग्ज़ाम की? हमने आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे होंगे। अभी मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, इससे जो होगी उसमें यूनिट टू और यूनिट थ्री कम्प्लीट कोशिश करूंगी कवर अप करने का। और आप ये सब करने के लिए मुझे मोटिवेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स, आपने इतने अच्छे मुझे रिव्यूज़ दिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम्स आपके स्टार्ट हैं कल से। तो आप सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट आपके बहुत मोटिवेटिव होते हैं तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग। स्टार्ट करते हैं सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन। सोशल मोबिलिटी के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो से पहले अपलोड कर दी थी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी को इनकरेज करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन हैज़ मल्टी डायरेक्शन इन्फ्लुएंस इन प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ एवरी पर्सन। देखिए, कोई भी पर्सन है अगर वो एजुकेटेड है तो उसको सोशली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट इज़ एजुकेशन दैट रिवील्स द क्वालिटीज एंड पोटेंशियल्स ऑफ मैन एंड अनेबल्स हिम टू अंडरस्टैंड सेल्फ एंड द एनवायरमेंट सराउंडिंग हिम। एक ये एजुकेशन ही होती है जो एक पर्सन को अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज करना सिखाती है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको क्या पता आपके बीच में क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो वो एजुकेशन के थ्रू ही आप उनका एनालिसिस कर पाते हैं और अपने जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करते हो। ठीक है, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों के ऊपर वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही स्ट्रीम्स में एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है सोशल मोबिलिटी को। वाई? बिकॉज फॉर्मल में क्या होता है, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, कॉलेज जाते हो और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट रिलीजियस के स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको, और जो कि और उनका मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत होते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है सोशल मोबिलिटी को। एजुकेशन शार्पन्स द इंटेलेक्ट, वाइडन्स द विजन्स, हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एंड अबव ऑल इट लेड्स टू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। देखिए, कोई भी नेशन है कैसे ग्रो करेगा अगर उसकी सोसाइटी अच्छी होगी? सोसाइटी कैसे अच्छी होगी? जब वहाँ पे लोग अच्छे होंगे, उनके थिंकिंग लेवल हाई होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को ज़्यादातर फॉलो करेंगे और इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होंगे, पॉलिटिकली एजेंडा उनके क्लियर होंगे, किस पार्टी को वोट करना है किसको नहीं करना। जब अच्छी पार्टी आपके आपके ऊपर रूल करेगी देन डेफिनेटली इट विल गिव यू द गुड थिंग्स ना। सो एजुकेशन ही होती है जो कि आपकी सोशली आपके शार्पन करती है, आपके विजन्स को क्लियर करती है, हेल्प करती है विजन्स को समझने के लिए, उनको उनका एरिया जो है वो ब्रॉडर करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल मोबिलिटी एज आई एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट ईयर अर्लियर। एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब देखिए, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है? आप कहीं पर भी जॉब करते हो, ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब करना, तो जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग होते हैं या एक ही रिलीजन के लोग होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर को मानने वाले, डिफरेंट थिंकिंग लेवल के लोग होते हैं और आप उनके साथ में काम करते हो, means it impacts on your daily routine life। ठीक है, so and the subsequent improvement in economic status, persons with higher education and better employment are respected more in society, like the doctors, lawyers and judges, principals। जिनके higher education होती है वो definitely उनको एक high जो economic status उनका बड़ा होता है। सो इट इज़ द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू डेवलप विद इन द इंडिविजुअल सच मोटिवेशन एज विल मेक हिम टू वर्क हार्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज सोशल पोजिशन। क्योंकि जब एजुकेशन से ही आपको इंडिविजुअल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैंने ये किया था मुझे इससे बेटर करना है। ठीक है, सो एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। आप अपवर्ड कैसे जा सकते हो सोसाइटी में? अपनी एजुकेशन से अपने अपने ब्रेन को यूज़ करके, अपनी पावर, अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करके अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकते हो। एंड दस हायर एजुकेशन हेल्प्स इन गेनिंग हायर इनकम। चेंज इन ऑक्यूपेशन, देखिए जब कोई भी पर्सन चेंज करता है उसके दो रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या होता है कि उसको कुछ जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, सेकेंड क्या होता है कि उसको हाई इनकम, हाई पोस्ट उनके एक्सपीरियंस के भी हाथ पे मिल रही है। ठीक है, और फर्स्ट चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, सेकंड चांसेस ज़्यादातर होते हैं कि बंदे को काम कर रहा है और उसको कहीं और पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई विद हायर इनकम, विद हायर पोस्ट। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या होता है, उसको एक सोशली
इंडिकेटर माना जाता है, सोशल मोबिलिटी का एक इंडिकेटर माना जाता है। सो द रीजन फॉर इट इज दैट ऑक्यूपेशन स्टेटस इज क्लोजली कोरिलेटेड विद एजुकेशन स्टेटस। अब जैसे कि बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन की थी बट कॉरेस्पॉन्डिंग उसने MBA कर ली, MBA करने के बाद उसने क्या किया, साथ के साथ ही अप्लाई कर दिया हायर पोस्ट के लिए और उनको वो जॉब मिल जाती है बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन स्टेट, इट इंक्रीजेज योर ऑक्यूपेशन स्टेटस ऑल्सो। एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी टू गो अप इन द सोशल स्किल। जब एक बच्चा, जब एक स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल लाइफ में है या कॉलेज लाइफ में है, जब वो एजुकेशन को गेन करते हैं ना, तो उनका जो थिंकिंग लेवल है वो ब्रॉडर हो जाता है, वो अपने लिए विजन्स क्लियर करते हैं, अपने लिए कुछ नया करना चाहते हैं और उस नया करने के लिए उनको कुछ चेंजेस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो चेंजेस करने के लिए वो सोसाइटी में एक अप स्केल लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन हेल्प्स वन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट। क्योंकि अपने जहाँ पर उसको जॉब नहीं मिल रही है बट वो एजुकेटेड हैं तो अपना वो काम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन हैज़ कंसिडरेबली ऑल्टर्ड द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। सोशल स्टेटस वुमेन्स का बढ़ गया है बिकॉज वुमेन्स को जब एजुकेशन प्रोवाइड की गई तो उन्होंने पहले उस एजुकेशन को घर में यूज़ किया, अपने बच्चों के लिए यूज़ किया, अपने सोशल इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया। फिर क्या हुआ, उन्होंने उस एजुकेशन को अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के लिए यूज़ किया, जैसे कि उन्होंने टीचर जॉब स्टार्ट की, प्ले वे ओपन किए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को को खेल खेल के लिए सिखाया, ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने अपना एरिया को बढ़ाया, ठीक है। तो एजुकेशन ने वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, उनके स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। एजुकेशन इज रिगार्डेड एज अ चैनल ऑफ मोबिलिटी एज इट इज़ हाई एजुकेशन अचीवमेंट इज एस्पिरेशन ऑफ पीपल। कि जब लोगों ने हाई एजुकेशन लेने के लिए सोचा है तभी उनकी मोबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। फ्यू वुड क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन इंटेग्रिटी वेन हाई अकेडमिक क्वालिफिकेशन पर्सन आस्क। जब पर्सन की क्वालिफिकेशन हाई है और वो जब कुछ बोलता है ना तो उसको सुना जाता है, ठीक है। जब कोई पर्सन लो एजुकेटेड है, उसको इतना एजुकेशन उसने नहीं लिया, मान लो फाइव ग्रेड तक पढ़ा है या टेंथ ग्रेड तक पढ़ा है या ग्रेजुएशन भी उसने मुश्किल से की है, तो उस पर्सन की बात को कम सुना जाता है। जहाँ पर हायर एजुकेशन पर्सन आ जाता है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। सो एजुकेशन हैज़ हाई रिलेशनशिप विद इनकम एंड ऑक्यूपेशन। ऑब्वियसली इट इज़ द हायर द एजुकेशन लेवल द मोर प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन लीडिंग टू हायर एनुअल, राइट। सो एजुकेशन इनहांस सोशल मोबिलिटी। अब हमने रिलेशन को समझ लिया कि एजुकेशन कई सोसाइटी में हेल्प करती है, बट कैसे इनहांस करती है, जिसके दो ही मेन रीज़न हैं। फर्स्ट, एजुकेशन प्लेज द रोल ऑफ अ मैकेनिज्म वेयर बाय सोशल क्लास पोजीशंस आर मेंटेन्ड अक्रॉस जनरेशंस। देखिए, एजुकेशन से क्या होता है, एक पर्सन उस अपने टाइम में हायर एजुकेटेड था बट एज अ जनरेशन चेंजेस, एज अ टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, देयर आर मोर एनहांसमेंट्स इन द स्टडी ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को उस टाइम की हायर एजुकेशन प्रोवाइड की, उनसे तो कम है, उनकी कम है उनसे, बट जैसे इन्हांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में न्यू न्यू पैटर्न्स आए हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को वो प्रोवाइड करवाए, ठीक है। सेम उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। तो जनरेशन टू जनरेशन जिस तरह से एजुकेशन एजुकेटेड पर्सन्स बढ़ते गए, उनका सोसाइटी में रुतबा भी वैसे ही मेंटेन्ड और बढ़ता गया। पहले वाला तो उन्होंने मेंटेन ही रखा बट उसको आगे भी बढ़ाया, ठीक है। सेकेंड क्या है, एजुकेशन एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म फॉर सोशल मोबिलिटी। अब एक वहाँ पे तो मैकेनिज्म के लिए रोल प्ले करता है और यहाँ पे एक्ट भी करता है। इन दिस केस एक्सेस टू एजुकेशन इज द की इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ मोबिलिटी। अब कोई पर्सन है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, उसने अपने बच्चे को किस कॉलेज में पढ़ाया है, किस हायर एजुकेशन के लिए कहाँ कहाँ भेजा है या कहाँ से उन्होंने करवाई है, इट आल्सो इम्पैक्ट्स ऑन द सोशल मोबिलिटी, ठीक है। सो हाउएवर दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एवरीवन गेट्स एन इक्वल एजुकेशन। अगर सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगी तो उनका सोसाइटी में रुतबा सेम रहेगा। सो थस प्रोवाइडिंग एन एवेन्यू फॉर मोबिलिटी अमंग द डिसएडवांटेज्ड फॉर दिस ग्रुप ऑफ पर्सन सर्व्स टू मूव अपवर्ड्स और टू रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ डाउनवर्ड मोबिलिटी। अब इससे क्या होता है कि जब सबको एजुकेशन मिलेगी, अब गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया कि एजुकेशन फॉर ऑल, सब बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, SSA के अंदर या कुछ और जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उसमें क्या है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि जो बेसिक एजुकेशन है वो सबको मिले। इसका मतलब ये है कि जब बेसिक एजुकेशन सबको मिलेगी, उनके अंदर इतनी उनको एनालिसिस करना आ जाएगा कि उनको क्या क्या वे हो सकते हैं कि वो कम फाइनेंस लगाकर भी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। जिनके पास फाइनेंस अच्छा वो तो कर ही लेंगे, बट जिनके पास फाइनेंस नहीं है
मिडिल फैमिली है या लो फैमिली है, तो उनको वो अपना स्टेटस कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू एजुकेशन, तो वो एजुकेशन गवर्नमेंट जो है स्कीम्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर रही है. तो इस तरह से एजुकेशन सोशल मोबिलिटी को इन्हांस करती है. सो दिस वाज माय सेशन. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ओनली देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच.